पूरे पे अप्लाई करना है, सिर्फ इस पैनल पे। ठीक, तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है ना, मेरे को नहीं लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग बता देना। मैं भी इसको पूरा का पूरा ऊपर से कट करके निकाल रहा हूँ, और हम यहाँ पे जो था पहले वही रखेंगे अभी के लिए। इसको कट करके निकाल लेता हूँ, फिर भी आप लोगों को अगर ये अच्छा लग रहा है ना मेरे को बता देना, तो मैं इसको लगा दूंगा। ठीक है, मतलब मोस्टली कमेंट आएंगे तभी लगाऊंगा, बहुत ज़्यादा एक दो कमेंट से नहीं, क्योंकि एक दो कमेंट से सिर्फ एक दो लोगों को अच्छा लगा। अगर काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो हम इसको लगा देंगे। तो मैं इसको यहाँ से कट करके ना निकाल लूँगा अच्छे से, फिर बाद में लगा दूंगा अगर आप लोगों की कमेंट्स आई तो। तो अभी इसको हटाता हूँ। और सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल पे। और तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो हमने क्रैश गार्ड बनाया था वो इतना अमेजिंग नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा उसको हटा देता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों के कमेंट्स आए तो हम उसको दोबारा भी लगा सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको कितना हमने कर लिया, क्या किया है। ठीक है, तो आते हैं बाइक पे। तो ये है बाइक का पूरा लुक, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। जिसने नहीं देखा है बता देता हूँ, ये R15 है B2, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं खुद से अपने घर पे, अपनी ड्रीम बाइक बना रहे हैं, निंजा H2R। आप देख ही चुके होंगे कि निंजा H2R ही लग रहा है। तो मैंने क्या किया है, देखिए ये हमने लगा दिया है। ठीक है, पहले वाला बहुत चौड़ा, बहुत अजीब सा लग रहा था जो क्रैश गार्ड था, तो हमने यही यूज़ किया जो हमने पहले किया था। लेकिन मैंने इसको और ज़्यादा एनहांस कर लिया है, ये एनहांस कर लिए हैं, देख लिए। पाइप को देखो, पाइप अमेजिंग लग रहा है ना। अब मैंने उस पर डिज़ाइन बना दिया है, और अभी तो मुझे इस पर नट बोल्ट की भी बहुत सारी डिटेलिंग करनी है। और मैंने ये लाइन भी कर ली है सीधी, ठीक है, ये लाइन सीधी कर ली है। और ये लाइन मैंने इसको ना पूरा का पूरा साइड पैनल बना दिया है, जिससे कि टच हो जाए इससे। तो यहाँ से हम नट भी स्क्रू यूज़ करेंगे, तो ये अमेजिंग फील, मतलब टच हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब हमें ना इसका फर्मा बनाना है। ठीक है, तो फर्मा बनाने के लिए सबसे पहले हम ये वाला पैनल लेंगे, इस पैनल का बनाएंगे, फिर इसको हम निकालेंगे, फिर हम दूसरी साइड चलेंगे, क्योंकि हमें निकाल के दूसरा पाइप भी हमें पूरा करना होगा। तो जब मैं इसका मोल्ड लेता रहूँगा ना, उसके साथ साथ ना मैं यहाँ पर डिटेलिंग कर लेता हूँ, जो नट बोल्ट हैं वो बना लेता हूँ। नट बोल्ट बना के एक बार और आपको दिखाता हूँ। मैंने ये अंदर कर दिया है थोड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था ये गियर शिफ्टिंग पैटर्न में ये दिक्कत ना दे, इसलिए मैंने इसको अंदर कर दिया। इसको हमें पूरा नीचे तक बनाना है, ठीक है, यहाँ से कवर घुमा के लेके जाना है। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे डिटेलिंग डाल देता हूँ नट बोल्ट्स की, और फिर मैं यहाँ का आपको मोल्ड दिखाऊंगा कैसे मैं कर रहा हूँ। तो नट बोल्ट की डिटेलिंग डालने के बाद फिर से मिलते हैं। बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होगा कि यार वो लोग ना अपना स्पीकर बजाए जा रहे हैं, लेकिन रोक नहीं रहे हैं मैं क्या। तो एज यू सी गाइज, ये थोड़ी इंजन के नट की डिटेल है, एक बार देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने फास्ट, हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसलिए मैंने ये फास्ट कर दी है नट की डिटेल। आप देखना कैसा लग रहा है नट का डिटेल, अच्छा लग रहा है तो बताना, नहीं लग रहा है तो भी बता देना, क्योंकि अभी तो हम ये काम करने जा रहे हैं ना, यहाँ तक हम पहुँचेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम शायद यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो अभी ये करते हैं हम, उसके बाद मैं और आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। सो ये हो गया रेडी अपना मोल्ड लेने के लिए। तो अब हम बनाते हैं इसका फर्मा, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये इस पर अप्लाई करना होगा, ठीक है, जैसे कि हम अपनी सारी वीडियोस में करते हैं। जिसने नहीं देखा है अपनी दूसरी वीडियोस में, वो जाके देख सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो हमें इसको ना पूरे पर अप्लाई करना है, सिर्फ इस पैनल पर, ठीक है। इसके साथ हम ये भी ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम है तो बॉक्स पैकिंग में दिक्कत नहीं आएगा ज़्यादा, ठीक है। ये पूरे पे अप्लाई करना है, और इसके अंदर भी बड़े अच्छे से भरना है, जिससे कि पूरे में भर जाए, बबल ना बने। चलिए ये पूरे पे लगा के, चलो टाइम लैप्स देख लीजिए कैसे मैं लगा रहा हूँ।
तो ये हो गए इसके हाल। देखिए मैंने इसको चढ़ा दिया है पूरा, मैंने इतनी सपोर्ट दे दिया जिससे कि ये खोलते वक्त टूटे ना, ठीक है। देखो ये सपोर्ट दे दिया है, ये सपोर्ट दे दिया है, यहाँ से दिया है एक लंबा सा और एक ये भी दिया है। गंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको बाद में खोलना ही होता है और तोड़ना ही होता है, ठीक है। और मैं भी बहुत गंदा हो चुका हूँ, तो काफ़ी गंदा हम भी हो चुके हैं। तो अब हम इसका वेट करते हैं, इसको सूखना होगा, ड्राई होना होगा, सूखने के बाद इसको निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आई थिंक हमें ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करना होगा, क्योंकि इसको निकालने के बाद ही आगे का काम होगा और ये पूरा दिन ले लेगा आज। कल को मैं खोलूँगा तो कल को भी टाइम ले लेगा, खोलने के बाद फिर जो फिनिशिंग होगी ना दूसरी वाली, वो फिनिशिंग में टाइम ले लेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो इतना ही था। तो अपना साइड पैनल जल्दी से जल्दी रेडी हो जाएगा, अब ये रेडी हो जाएगा, नीचे का बन जाएगा, फिर हम नीचे अंडर वैली बनानी है, पाइप बनाने हैं, वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसके बाद ही होगा वो, क्योंकि मैं सपोर्ट दे नहीं सकता ना बिना इसके। ये हो जाएगा, फाइबर का रेडी हो जाएगा, तब ये सपोर्ट दे देगा नीचे, हम इससे सपोर्ट लेंगे तो गिर जाएगा, हैवी हो रहा है ऑलरेडी अपना ये बहुत ज़्यादा। तो रखिए आप लोग अपना ख्याल, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार देखो लाइक तो कर ही सकते हो, लाइक्स भी बहुत कम लोग करते हैं, तो लाइक कर ही दो आज, अच्छी लगी तो वीडियो, मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो भी कर दो। अगर मेरा इतना अच्छा डिज़ाइन जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इन डिज़ाइंस में, ये अच्छे लग रहे हैं तो इसके लिए ही कर दो यार, एक लाइक तो कर दो। चलो टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।